पटेल मेरे साथ है मोहम्मद कैफ और आज हम आपको बताने वाले पंच और किक के बारे में कि हम पंच और किक करते हैं तो हमें किस पोजीशन पे खड़ना है और किस तरीके से हमें फाइट रेंज में आना और फाइट रेंज के बाहर जाना है। तो आज हम यही सीखने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना ताकि जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो डायरेक्ट आप तक पहुँच सके। और ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ और कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों ने मुझे कमेंट किया और उस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ और ताकि वो आप सीख सके। तो चलिए मैं बताता हूँ कि फ़ाइट पोजीशन में किस तरीके से खड़ना है और किक्स वगैरह कैसे खड़ना है। सामने वाला बंदा फाइट पोजीशन में जिस तरीके से है और कुछ लोग क्या करते हैं कि काफ़ी दूर खड़े रहते हैं, काफ़ी दूर हो जाते हैं और यहाँ से पंच करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से किक करने की कोशिश करते हैं जो सामने वाले को लगता नहीं है ना वहाँ पर किक या पंच जाती है। तो हमें पहले जज करना है कि सामने वाला फाइट पोजीशन में किस पोजीशन में और किस रेंज के अंदर है या बाहर है। अब देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, यहाँ से मेरा पंच जाएगा ना यहाँ से मेरा किक जाने वाला है। तो पहले मैं सामने वाले को जज करूँगा ये पोजीशन में, ठीक है। अब जैसा मैं टारगेट रेंज में आया हूँ और मैंने पंच ओपन किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने पंच किया तो देखिए मेरे बॉडी थोड़ा पीछे की तरफ जाएगी। ये मैंने पंच किया हल्के से पीछे की तरफ, यहाँ से फिर स्टमक मैंने किक किया और फिर रेंज में आके तुरंत बाहर की तरफ चला गया। कुछ लोग क्या करते हैं काफ़ी क्लोज आ जाते हैं इस तरीके से, काफ़ी क्लोज आने के बाद इस तरीके से मारने जाते हैं तो ना किक जाता ना कुछ जाता। आप सोचिए अगर मैं इस रेंज में आके सामने वाले को अगर मैं किक करता हूँ जाएगा नहीं जाएगा, हर उल्टा हम वहाँ पर उनके टारगेट रेंज में आ गए ताकि वो सामने अगर हमें पंच वगैरह करता है तो वो क्या होगा हम नॉकआउट के तरफ चले जाएंगे, यानी कि हम मैच वहाँ पर हारने के चांसेस ज़्यादा होगा। आप सोचिए मैं ये रेंज में हूँ और मेरा फेस ओपन है तो देखिए सामने वाला पंच अगर ओपन करता है तो मुझे लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से मारने जा रहा हूँ ये रेंज में हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं उसके रेंज में आ गया हूँ। तो आप पहले कोशिश करिए कि आप किस रेंज में हैं। देखिए अब ये फाइट पोजीशन में इस तरीके से है, मैं पहले जज कर रहा हूँ सामने। और हमेशा कोशिश करिए कि जो फाइटर है उसकी आँखों में देखे ना ही इधर उधर देखे। अगर आप इधर उधर देखते हो तो आप सोचो कि अगर आपका रेंज वहाँ से हट जाता है और सामने वाला आपने आप उसको देख लिया कि आप वो फाइटर की पोजीशन में नहीं हो तो आपको वो पंच करके वहाँ से नॉकआउट वगैरह कर सकता है। तो पहले मैं यहाँ से जज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और यहाँ से मेरा पंच नहीं जा रहा है। मैंने जज किया, तुरंत मैंने देखा कि उसका स्टमक ओपन है और मैंने स्टमक पर किक किया और वापस रेंज के बाहर आ गया। अब सोचो ये पोजीशन में मैं आ गया हूँ यहाँ पर। अब जब ये रेंज में आप आते हो तो इस्तेमाल करिए पंच को ना ही किक को। अगर आप ये यहाँ पर पोजीशन में आके अगर किक इस्तेमाल करने जाते हो तो लगेगा नहीं, जब ये रेंज में आप आ गए तो इस्तेमाल करिए पंच को और वहाँ से निकलिए। और जैसा आप निकलते हो सामने वाला फाइटर आपके तरफ बढ़ रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये बढ़ रहा है तो आप एक स्टेप लीजिए और फिर मार के वहाँ से निकल जाइए। तो ये एक छोटा सा डेमो था, जो आप इसको देखिए और सीखिए और मुझे यकीन है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं मोहम्मद के साथ यही बोलूँगा कि और बहुत सारे वेरिएशन हम बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे ताकि वो सीखे और जो नए नए बंदे हैं जो खेलते हैं उनके काम आ सके। तो मैं यही बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।